कुरुग्राम के चकरपुर गांव में मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। पीड़ित का आरोप, पुलिस ने नहीं की कोई कार्रवाई, मारपिटाई साजिश के तहत और जान से मारने की कोशिश की थी। करने की कोशिश ग्रुप बना के मार पिटाई की है और उसके बावजूद भी पुलिस गलत कार्रवाई करके तुलंतरा 107, 150 से 151 लगा रही है और उन लोगों को जिन लोगों ने किया, जिन लड़कों ने, उनको साफ सुथरा बचाने के लिए तुलंतरा नोटिस में भी उनके सिर्फ घर से 3 लोग और 1.5 साल पहले जो यहाँ से जा चुके हैं उन लोगों के भी नाम ऐड कर दिए हैं और कलंतरा नोटिस मेरा, मेरी मम्मी और मेरी छोटी बहन के नाम की है। तो मैम ये कौन से लड़के का कौन है, क्या रहते हैं? ये हमारे बिल्कुल पड़ोस में ही रहते हैं। इस लड़के का नाम है आशुतोष, संदीप, प्रथम। इन तीनों को तो साफ सुथरा बचाया है, इन्होंने तीनों ने मिलकर मारपिटाई की और CCTV वीडियो रिकॉर्डिंग भी दी है और उसके बावजूद भी SHO सर और DCP सर सबसे मिल ली, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये लोग काफ़ी टाइम से पहले से ये चला आ रहा है, मैंने इनकी काफ़ी कंप्लेन भी कर रखी है। उसके बाद ये होता है कि हर बार चाहे मैं प्रूफ के साथ दे दूँ कंप्लेन, चाहे मैं कोर्ट में दे दूँ, उसके बावजूद भी कलंतरा ही लगता है, कुछ भी दे दूँ। अभी भी मैंने CCTV की वीडियो की रिकॉर्डिंग दी है, DCP सर को खुद मिलके और रिटर्न में कंप्लेन भी दी है, उसके बाद भी उन्होंने कह दिया था कि उचित कार्रवाई होगी और उसके बाद भी फिर यही कार्रवाई हुई। मेरे को कोई कार्रवाई कुछ हुआ है अभी तक या कोई? हाँ जी, 27 तारीख को मुझे एक कलंतरा नोटिस दिया गया है जी। इसमें कुछ है आपका? हाँ, हक में कुछ नहीं है, तो अगेंस्ट में ही जा रहा है, सब कुछ हमारे खिलाफ ही हो रहा है, सब कुछ हमारे साथ हो रहा है, मार पिटाई हो रही है, मारने की, हत्या करने की कोशिश हो रही है। इसका मेन कारण क्या मैम? हाँ जी, इसका मेन कारण क्या है? मेन कारण यही है, वो लोग चाहते हैं कि हाँ किसी तरीके से ये अपना घर छोड़कर चली जाए और 5-6 लोगों का ये ग्रुप है, ये 5-6 लोग घर है इन्हीं का, कभी वो टारगेट करेगा, कभी वो टारगेट करेगा। वो ये सोचते हैं कि हाँ भाई फादर नहीं है, उसके बाद हम इनका घर कब्जा कर लें, बस यही रंजिश है उनको और तो कुछ है नहीं। ये चक्कर की लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।